अगला टॉपिक जो हमारा होता है वो होता है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देते हैं वो किस तरीके के हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे को एक ही जैसी चीज़ें, जैसे कि प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल, उसके साइज़ जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी कि अगर हम प्लांट सेल को लेते हैं, उसमें हम एक अनियन को ले लेते हैं, अनियन अगर हम लेते हैं तो उसके साइज जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अनियन कई बार छोटी भी होती है और बड़ी भी। तो आप देखेंगे कि अगर हम उसके सेल को के स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो हमारे को वो स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम दिखाई देगा। यानी कि उसके अंदर वो तीन फीचर्स हमेशा दिखाई देंगे जो मैंने आपको बताए थे अपनी पिछली क्लास के अंदर, कि पहला साइटोप्लाज्म, सेकेंड सेल मेम्ब्रेन, थर्ड इज आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को मैंने आपको बताया था दैट इज कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज विच टेक इन द सेल। सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सभी न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होती हैं। अब हमारे पास दूसरा एक पॉइंट आता है कि जो प्लांट सेल होते हैं या फिर एनिमल सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में साथ में ये भी बताया था कि यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल या फिर हम कह सकते हैं वन सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, अमीबा, ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से मिलकर बने हैं। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर कहलाते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं, यानी कि जितने भी उनकी बॉडी में वेरियस बॉडी पार्ट्स होते हैं वो सभी बॉडी पार्ट्स अगर उसके मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बने होते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं हम मल्टी सेलुलर। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके एग्जाम्पल है फंजाई, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स में वो सभी एनिमल्स आते हैं जो आपने आस पास में आप देखते हो। ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको अपने आसपास में एनिमल्स दिखाई देते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि क्या प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं? तो यस, प्लांट्स आर आल्सो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नाउ इन पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे सेल्स के। अब हमारे पास एक और बात आती है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उन सब में अलग अलग साइज़ के सेल्स होते हैं। जैसे कि सबसे स्मॉलर साइज़ में आपको बता दूँ PPLO यानी कि माइकोप्लाज्म का होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। अगर हम अपने पूरे वर्ल्ड के अंदर देखें, पूरी दुनिया में जितने भी तरीके के ऑर्गेनिज़म आपको दिखाई देते हैं उनमें माइकोप्लाज्म नाम का जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका सेल सबसे छोटा होता है। इसी तरीके से जो सबसे बड़ा सेल होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग सेल। वैसे तो हम कहते हैं कि एग सेल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन ऑस्ट्रिच का एग सेल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। देन लार्जेस्ट सेल जो होता है वो हमारा नर्व सेल होता है। नर्व सेल की लेंथ जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कह सकते हैं हम उसे अपनी बॉडी का। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के सेल्स की जो लेंथ होती है हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ अपनी PDF में दिखाई दे रहा है कि सबसे पहला है स्मूथ सेल, मसल सेल। ये स्मूथ मसल सेल्स हमारी बॉडी के अंदर ही होते हैं, ये स्पिंडल शेप में होते हैं और टिप्स पे से हमेशा हमारी पॉइंटेड होते हैं। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, हमारे मसल्स के अंदर ये पाए जाते हैं, ऐसे मसल्स के अंदर जो कि इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। दूसरा आपको दिखाई दे रहा है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के अंदर तीन तरीके के सेल्स होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं RBC, दूसरा होता है जिसे कहते हैं WBC एंड थर्ड वन इज कॉल्ड प्लेटलेट्स। जो
इनमें से जो RBC होते हैं उसका मीनिंग होता है रेड ब्लड सेल्स, जिनकी एज जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद ये सेल्स जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं और नए सेल्स बच जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्थ, उन्होंने हमारे को बताया था कि हर एक नया सेल अपने पुराने सेल से मिलकर बनता है। तो ये बात हमारे को हम समझ सकते हैं इस बात से कि RBC जब मरते हैं तो वो नए सेल्स को ओरिजिनेट कर जाते हैं। इनके ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन WBC दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं जिनका मीनिंग होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का के अंदर न्यूक्लियस होता है, दे कैन चेंज देयर शेप, ये अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं। तीसरे टाइप के होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर कोगुलेशन का काम करते हैं, यानी कि कई बार आप देखते हैं कि आपको कहीं पर वाउंड हो गया, आपने उस जगह उस वाउंड को कस के पकड़ लिया तो ब्लड आना बंद हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड की कोगुलेशन यानी कि ब्लड का थक्का जमाते हैं। तीसरे आपको दिखाई दे रहे हैं नर्व सेल। नर्व सेल जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। ये हमारी बॉडी के से बाहर कोई भी स्टिमुलाई अगर हमारे को टच करता है तो उसकी सेंस को समझते हैं, कोई पेन वगैरह होता है उसकी मैसेजेस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन सेंस करता है एंड जो भी चीज़ें उसके अंदर फीडअप होती हैं वो हमारे को समझ आती हैं। अगला आपको दिखाई दे रहा है फैट सेल्स। फैट सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर हमारी स्किन के नीचे मिलते हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर फैट को इंक्रीज करते हैं, यानी कि ओबेसिटी, अगर फैट बहुत ज़्यादा होगा तो हमारी बॉडी में फैट बनता है। बोन सेल, नेक्स्ट इज बोन सेल। बोन सेल हमारी बॉडी के अंदर हमारी बोन्स के अंदर होते हैं, जिसकी वजह से हमारी आपको पता है कि इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से आसानी से हमारी बोन्स जो होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती बल्कि नॉन फ्लेक्सिबल होती हैं। सिर्फ और सिर्फ हम उनको मोड़ तोड़ सकते हैं उन जॉइंट्स के ऊपर से जहाँ पर वो आपस से एक बोन दूसरी से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट होता है स्पर्म। स्पर्म जो होते हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ही रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, यानी जो मेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पर्म्स पाए जाते हैं जो कि आगे फ्यूजन के लिए हेल्प करते हैं। ये नॉन मोटाइल होता, ये जो होता है वो मोटाइल होता है और ये एक प्लेस से दूसरी जगह यानी कि हम कह सकते हैं कि मेल से वेजाइना तक अपने आप पहुंच जाता है व्हेन इट एंटर इन द बॉडी ऑफ द फीमेल। अगला जो होता है वो होता है ओवियम। ओवियम का आप दिखाई दे रहा है कि ये लार्जेस्ट सेल है हमारी बॉडी में, जितने भी तरीके के सेल्स मिलते हैं उनमें से, लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि सबसे लार्जेस्ट जो सेल होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ओवियम का साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से यानी कि ओवरी से रिलीज होता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ स्पर्म है। स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि टेस्टिस से रिलीज होते हैं, बट ये ओवियम जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि ओवरी से रिलीज होता है। जब ये ओवरी से रिलीज होता है तो इसके ये नॉन मोटाइल होता है एंड इट ऑलवेज प्रेजेंट ओनली इन द फैलोपियन ट्यूब। जब फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स इसको फ्यूज कर लेते हैं देन इट फर्टिलाइज्ड एंड फॉर्म ज़ाइगोट। इस तरीके से आपको पता चला कि हमारी बॉडी में कितने तरीके के वेरियस सेल्स आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको शो करूँगी। थैंक यू।